गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको बताऊंगा साझेदारी संलेख के विषय में क्या है साझेदारी। पहले तो मैं आपको सीधे साझेदारी किसे कहते हैं वह समझाऊंगा और इसके बाद में साझेदारी का आशय, इसकी विशेषताएं और संलेख क्या है यह भी बताऊंगा। साझेदारी सामान्य से संबंधित जो बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, साझेदारी हमने कक्षा 11वीं में देखा था एकल व्यवसाय को, और एकल व्यवसाय में एक ही व्यक्ति यहाँ पर व्यवसाय करता है इसलिए उसे हम एकल व्यवसाय कहते हैं। अब यहाँ पर साझेदारी की बात आती है, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति उस व्यापार को चलाने का काम करेंगे। कैसे चलाएंगे इसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने का प्रस्ताव रखा है, उस व्यवसाय में उन्होंने पूंजी लगाई है, उससे उत्पन्न लाभ को आपस में बांटने के लिए उन्होंने बात किए हैं और उस व्यवसाय का संचालन व प्रबंधन करते हैं। ऐसे व्यवसाय के की पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम साझेदारी कहते हैं। अब साझेदारी में जो सरकार द्वारा कानून बनाया गया है वह 1932 में एक कानून बनाया गया है और 1932 में कानून बनाने के कारण इसे हम भारतीय साझेदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नाम से जानते हैं। अब देखिए उस अधिनियम में क्या लिखा हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इसमें जो सेक्शन है यानी धारा 4 में डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है। परिभाषा में भी यही बताया गया है कि दो व्यक्तियों के बीच का संबंध होता है जो व्यापार उनके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, ऐसे व्यवसाय को हम साझेदारी कहते हैं। आगे मैं बात करता हूँ इसकी विशेषताओं की बात करेंगे यदि, तो हमने विशेषताओं में लिया था। विशेषता में पहली बात हम कर सकते हैं कि पहला दो या दो से अधिक की बात करेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात करेंगे, और जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे वहां पर साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अर्थात इसे हम न्यूनतम सदस्य संख्या भी कह सकते हैं और यहां पर यह न्यूनतम सदस्य संख्या अधिनियम 1932 में बताई गई है, लेकिन इसकी अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वह कंपनी अधिनियम 1956 में बताई गई है और इन्होंने बताया है कि अधिकतम सदस्य संख्या 50 हो सकती है। अब देखिए आगे यहाँ पर संचालन व प्रबंधन की बात करेंगे कि साझेदारी व्यवसाय का संचालन व प्रबंधन जो है वह सभी साझेदार मिलकर करेंगे, इसीलिए कोई ऐसा नहीं है। या फिर संचालन व प्रबंधन की बात करते हैं तो यहाँ पर संचालन व प्रबंधन जितने भी साझेदार रहेंगे वो मिलकर करेंगे या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यह संचालन व प्रबंधन किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे लाभ को बांटना या लाभ का वितरण की बात करेंगे, और लाभ का वितरण जो है वह समान अनुपात में सभी साझेदारों को किया जाएगा, ऐसा भारतीय साझेदारी अधिनियम में लिखा गया है। यदि उन्हें कोई दूसरा यहाँ पे नियम बनाना है तो पहले ही अपनी शर्तें बता दे और वैसा व्यवसाय में अप्लाई करे तो लाभ का विभाजन हो जाएगा। पारिश्रमिक की यहाँ पे बात करेंगे तो पारिश्रमिक जो दिया जाता है वह जैसे वेतन के रूप में, बोनस के रूप में या कमीशन के रूप में, वेतन बोनस या फिर कमीशन की बात करते हैं तो यदि किसी को दिया जाना है तो यह वहां पर अर्थात पार्टनरशिप डीड जो बनाई जाएगी उसमें लिख लिया जाएगा कि किस व्यक्ति को पारिश्रमिक देना है या नहीं देना है। पूंजी पर यदि ब्याज की हम बात करते हैं तो पूंजी पर ब्याज के संबंध में भी आप पार्टनरशिप डीड में आपको लिखना होगा। तो अब सवाल उठता है कि हम यहाँ विशेषताओं को तो देख लिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख क्या होता है? तो साझेदारी जो संलेख है उसकी हम बात करते हैं कि यह ऐसा प्रलेख है जिसमें भविष्य में होने वाले मनमुटाव या मतभेद का निपटारा सुगमता से किया जा सके, ऐसे व्यवसाय के प्रलेख को ही हम साझेदारी प्रलेख,
साझेदारी ठहराव या साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं कि भविष्य में स्वाभाविक होता है कि जो कुछ ऐसी गलतफहमियों के कारण मतभेद उत्पन्न हो जाता है और उन मतभेदों के कारण व्यवसाय में एक दूसरे जो पार्टनर होते हैं, साझेदार होते हैं, वो व्यवसाय में अपनी अपनी मांग करने लगते हैं। इस कंडीशन ऐसी कंडीशन ना बने इसके लिए साझेदार पहले ही यह प्रलेख मौखिक या लिखित रूप में रख सकते हैं, क्योंकि समझौता होता है यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, इसलिए साझेदारी संलेख जो होता है वह ऐच्छिक होता है और यहाँ पर अनिवार्य नहीं है यहाँ पे लिखना। लेकिन अब बातें यदि हम करते हैं कि संलेख जो है और यदि आप इसे रिटर्न में रखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो संलेख में आप क्या लिखेंगे, यानी इसमें कौन सी बातें लिखी आएगी संलेख में। तो सबसे पहले यदि आप लिखना चाहते हैं तो साझेदारों के नाम लिखिए, साझेदारों के पता लिखिए, फर्म का नाम लिखिए, साझेदारों की पूंजी लिखिए इसमें कि वो कितनी पूंजी लगाएंगे, क्या पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आहरण करते हैं तो कितना आहरण कर सकते हैं या आहरण पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लाभों का वितरण किस अनुपात में किया जाएगा, क्या समान अनुपात में किया जाएगा या पूंजी के अनुपात में किया जाएगा, ये सभी बातों को हमको ये साझेदारी संलेख में लिख लेना चाहिए पहले ही जब पार्टनरशिप डीड तैयार की जा रही है। लेकिन यदि आपने यह नहीं बनाया है तो इसके अभाव में लागू होने वाले कुछ नियम होते हैं और यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से होते हैं, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है। तो इसके अभाव में लागू होने वाले नियम जो है, अर्थात आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, संलेख नहीं बनाया है, तो वे सभी नियम लागू होंगे जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखे हुए हैं, वो सभी नियम लागू होंगे। जैसे हम बात करते हैं पूंजी पर ब्याज की, तो पूंजी पर ब्याज किसी को नहीं दिया जाएगा, यह साझेदारी अधिनियम में लिखा हुआ है, यदि देना था तो पहले ही आपको संलेख में लिख लेना था। दूसरा हम बात करते हैं लाभों के विभाजन की, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखा है कि किसी भी साझेदार को लाभ समान अनुपात में बांटा जाएगा और यदि आपको दूसरे कोई अनुपात में बांटना है, पूंजी के अनुपात में या फिर कोई दूसरा स्वेच्छा से कोई अनुपात रखना था तो आप इसके लिए पहले ही संलेख तैयार कर लेना था आपको। अब यदि संलेख नहीं तैयार किया है तो समान रूप से बांटा जाएगा। इसी प्रकार आहरण पर ब्याज की यदि बात करते हैं तो आहरण पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम में लिखा है कि आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। पारिश्रमिक के संबंध में यदि आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो पारिश्रमिक के संबंध में लिखा है कि किसी भी साझेदार को फर्म में या हमारी संस्था में काम करने का अधिकार तो होता है, लेकिन उसे पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सभी लोगों का काम करने का वहाँ दायित्व है, संचालन व प्रबंधन करने का सभी का अधिकार होता है, इसलिए किसी भी साझेदार को यहाँ पर पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। यदि किसी को दिया जाना था तो पहले ही लिख लिया जाना चाहिए था। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर फर्म की संपत्ति का उपयोग की बात करते हैं हम कि फर्म की जो संपत्ति होती है उसका उपयोग कौन कर सकता है। आपने पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं किया है, इस दशा में स्पष्ट कहा गया है अधिनियम में कि किसी भी साझेदार को फर्म की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा, वह साझेदार सिर्फ फर्म की संपत्ति का उपयोग फर्म के काम के लिए ही कर सकता है, अन्य कार्य के लिए नहीं कर सकता है। एक और अहम यहाँ पे पॉइंट आता है, असीमित दायित्व की बात आती है। असीमित दायित्व क्या होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है और यह विशेषता का पॉइंट है। असीमित दायित्व का अर्थ हम आपको समझा देते हैं कि फर्म जब समाप्त होती है उस समय यदि आपकी देनदारियां अधिक हो जाती है और फर्म की संपत्ति को आप बेच देते हो पूरी, फिर भी आपके पास रोकड़ नहीं होती है उन ऋणों को चुकाने के लिए, तो जितने भी साझेदार होंगे वो सभी साझेदार अपने निजी संपत्ति से उस ऋण की पूर्ति करेंगे, उस दायित्व की पूर्ति करेंगे और यही निजी
संपत्ति से उन दायित्वों का भुगतान करना ही असीमित दायित्व होता है, अर्थात इनका दायित्व जो है निजी संपत्ति तक हो जाता है। यहाँ एक खास बात आपको याद रखना होगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो खाते तैयार किए जाएंगे वो खाते दो प्रकार से तैयार किए जाएंगे। आपने देखा होगा जो साझेदारों के खाते होंगे उनकी हम बात करते हैं यहाँ पर। एक तो स्थाई पूंजी पद्धति द्वारा खाते तैयार किए जाएंगे और दूसरा जो है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति द्वारा यहाँ खाते तैयार किए जाएंगे। अब देखिए, खाते बनाना, कैसे खाते बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, इनकी आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। इनके दो प्रकार हमने आपको समझाया। पहला स्थाई पूंजी खाता और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाता। अब यहाँ पे बात करेंगे जो स्थाई पूंजी खाता है, इसमें दो खाते तैयार किए जाते हैं। पहला होता है साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा होता है साझेदारों का चालू खाता। दो खाते यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी जो पद्धति है इसमें सिर्फ एक खाता तैयार किया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता। आपको याद रखना होगा ये दोनों बातों को। अब यहाँ पर जैसे आपने कक्षा 11वीं में लाभ हानि खाता देखा होगा, यह लाभ और हानि खाता, लाभ हानि खाता तैयार किया जाता था और एकल व्यवसायी इस लाभ हानि खाते में जितना भी यहाँ लाभ आता था उसे हम शुद्ध लाभ के नाम से जानते थे, उसे लिख दिया जाता था और यह बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन वहां पर मालिक एक था, यहाँ पर जो साझेदार हैं इनकी संख्या अधिक हो जाती है और इनके भी कुछ व्यक्तिगत व्यय होते हैं, आय होती है, इस कारण हम साझेदारी में उनके लिए सेपरेट एक यहाँ पर लाभ हानि निकालने के लिए एक खाता तैयार करते हैं जिसे हम लाभ हानि नियोजन खाते के नाम से जानते हैं। और लाभ हानि नियोजन खाता एक नाममात्र का खाता होता है और इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त हानियों को दिखाया जाता है और क्रेडिट पक्ष में समस्त लाभों को लिखा जाता है। इसे लिखने का प्रारूप भी विवरण राशि, विवरण और राशि के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर साझेदार का जो लेन देन है उसमें इसे क्या प्राप्त हो सकता है और साझेदार क्या दे सकता है फर्म को, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, साझेदार यहाँ पर, साझेदार ने पूंजी लगाई हुई थी यहाँ पर और उस पूंजी पर यहाँ पर ब्याज देना होगा। यदि शर्त है, हमारी संलेख में लिखा है, तो पूंजी पर ब्याज यहाँ पर लिखा जाएगा जितने भी साझेदार होंगे उनके द्वारा। इसी प्रकार किसी साझेदार को यदि वेतन मिल रहा है तो वेतन लिखा जाएगा, कमीशन मिल रहा है तो कमीशन लिखा जाएगा, अर्थात उनके जो व्यय होंगे, फर्म के जो व्यय कहलाएंगे ये व्यय होंगे, तो उन्हें डेबिट पक्ष में, और यदि आहरण किया है किसी साझेदार ने तो आहरण पर हम ब्याज लेंगे तो उसे क्रेडिट की ओर लिखा जाएगा। और इस प्रकार यह खाता तैयार किया जाएगा और इसे जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद जो पक्ष बड़ा होगा उस पक्ष में, विपरीत पक्ष में हम अमाउंट लिख देंगे। यदि डेबिट तरफ कम राशि आती है तो यह लाभ कहलाएगा और क्रेडिट तरफ यदि कम राशि आती है, शेष निकलता है, तो यह हानि कहलाएगी। अब यह लाभ या हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते में हम दो टाइप से बना सकते हैं। पहला तो हमने देखा यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता, और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का उपयोग करते हैं तो साझेदारों का पूंजी खाता यहाँ पे बनाया जाएगा। अब साझेदारों का जो पूंजी खाता होता है उसमें सिर्फ साझेदार ने जो पूंजी लगाई है
व्यापार प्रारंभ करते समय वही लिखी जाती है। इसके अलावा यदि बीच में कहीं उन्होंने अतिरिक्त पूंजी लगा दी है तो उस पूंजी को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसी प्रकार यदि साझेदारों को स्थायी पूंजी पद्धति से खाता बनाना है तो साझेदारों का जो चालू खाता बनाया जाएगा उसमें वर्तमान वर्ष की जो मदें होगी, जैसे पूंजी पर ब्याज दिया, वेतन दिया, कमीशन दिया, यह साझेदारों के पूंजी खाते में जैसे लाभांश नियोजन के डेबिट में लिखा है तो साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। इसी प्रकार हम लाभांश नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में जो भी मदें लिखी हुई है, जैसे आहरण पर ब्याज लिखा है, यह साझेदारों के चालू खाते के डेबिट पक्ष में ट्रांसफर हो जाएगा, विपरीत पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का उपयोग करते हैं तो साझेदारों का जो पूंजी खाता होता है या एक ही खाता तैयार किया जाता है और इसी में जो साझेदारों का पूंजी रहेगी वह सबसे पहले पूंजी लिख दी जाएगी और इसके बाद साझेदारों का चालू खाते में जो मदें लिखी जाती है वो इसके नीचे लिख दिया जाएगा और योग करके यहाँ पे पता दिया जाएगा। जो शेष निकलेगा उसे बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। इस प्रकार हम साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करते हैं। एक बात और यहाँ पे आती है कि कोई साझेदार जो है वो साझेदार चाहता है कि मैं जब व्यवसाय बढ़ने लगे तो आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, तो हम उसे कभी कभी गारंटी के रूप में भी ले लेते हैं, उसे आश्वासन देते हैं हम कि आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कला होती है या उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है कि वही काम कर सकता है, दूसरा व्यक्ति वह काम नहीं कर सकता। इन सब बातों को देखते हुए हम ऐसे व्यक्ति को हमारी फर्म में ले लेते हैं और लेने के बाद उसे गारंटी देते हैं, तो वो गारंटी देने के बाद जो लाभ का विभाजन होगा वह दो व्यक्ति है, यदि हमने उसे ले लिया तो तीन व्यक्ति हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ लाभ का विभाजन हमें दिखाना होता है और उसे भी देना होता है। तो ये हम सामान्य साझेदारी में पढ़ते हैं। इसके बाद हम साझेदारी का पुनर्गठन सेकंड चैप्टर आता है, वहां पर पढ़ते हैं। तो आपके यहाँ विशेष ध्यान देना है, लाभांश नियोजन खाता किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर करके, लाभांश नियोजन खाता किसे कहते हैं। यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और अक्सर करके साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।